गाइस 2 साल से मेरे ई वाले आईडी से मैंने अभी तक मैं यूट्यूब चैनल पे मैंने 83 के जो फैमिली हमारे यहाँ तक आया हूँ मैं इस आईडी के थ्रू आया हूँ। और गाइस ई वाली आईडी बैन हो चुकी है एक ग्लिच की वजह से। अभी तक मैंने 1.5 लाख के आसपास पैसे स्पेंड किया इस वाले आईडी पे। और यार ये वाले आईडी 14 सीजन से कॉन्करर बैक टू बैक अभी तक ये कितना हेल्प करे आगे आकर। और गाइस जितना हो सके उतना शेयर करना इस वीडियो को प्लीज़ यार, बहुत हेल्प की जरूरत है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज गाइस मैं ये चीज़ क्लियर करने वाला कि यार जो बीजेएमआई का जो फंड है ये सब भाई सर के ऊपर है। और हमारे जैसे छोटे मोटे जो कंटेंट क्रिएटर या फिर यार आप ऐसे जो नॉर्मल जो भी आप बस मजे के लिए खेलते हो ना, वो लोग भी अगर जो उन लोग की आईडी बैन होती है तो उनके साथ में जो सीन होता है, कौन हेल्प करता है कौन हेल्प नहीं करता है, कहाँ तक यार आपको हेल्प के लिए जाना चाहिए, ये सब मैं क्लियर करने वाला। और जो मेरे साथ में जो सीन हुआ है उसके बाद से यार आपको मतलब सच में यकीन उठ जाएगा बीजेएमआई के ऊपर से। और सोचोगे कि नहीं यार कि अगर जो कोई ऐसा यूट्यूबर होता मेरे क्लोज में तो ये हेल्प कर देता वो हेल्प कर देता, आपको पूरी रियलिटी यहाँ पे बताने वाला। तो गाइज यहाँ पे मैंने इस वाली आईडी पे लेवल 4 किया था बैरल, और उसके स्पॉन्सर जो थे हमारे गौरव भाई थे, गौरव प्लेस वाईटी, आपको पता ही होगा मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो में बोला था, और उनके चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। उससे पहले गाइज यहाँ पे आपको इस वीडियो में गाइज मिस्टर स्पाइक का जो रिप्लाई था, जो रिएक्शन था, और जो हमारे नोवा किंग भाई हैं उनका भी मतलब स्ट्रीम चल रहा था तो मैंने सुपर चैट किया था, और उनका जो मतलब रिप्लाई था उनका जो उन्होंने बोला वो चीज़ सुनना चाहिए गाइज आपको। और भाई आप मतलब मैं तो एकदम से मूड ऑफ हो गया था भाई जब ये रिप्लाई दिया उन लोगों ने। तो भाई आप सुनो आगे क्या होता है, और पूरा का पूरा लाइव चैट का जो भी प्रूफ था वो सब है मेरे पे। तो करते हैं कंटिन्यू, उससे पहले यार वीडियो पे एक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, बाकी आपकी मर्जी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारी बात होती है नोवा किंग भाई से, और उनकी स्ट्रीम चल रही थी यार, तो मैंने सोचा मतलब मैंने नहीं टेरर ने बोला कि भाई उस पर सुपर चैट करके देखते हैं उनकी स्ट्रीम पे, और वहाँ से थोड़ा तो भी मतलब एक आइडिया आएगा क्या करना है, और उनके अगर जो कॉन्टैक्ट में हैगा तो वो जरूर से हेल्प करेंगे। उनके हाथ में ज़्यादातर ये सब चीज़ें मतलब वो सब ये हैंडल किए हैं आई थिंक इससे पहले, ऐसा कुछ बोल रहा था टेरर। तो उसने सुपर चैट किया, स्टार्ट में किया 100 का किया, उसके बाद 40 का किया, उसके बाद से एक और 100 का करता है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लो, अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख लो गाइस 100 का पहले सुपर चैट करता है टेरर हमारा, और उसके बाद से एक 40 का करता है, उसके बाद एक और 100 का करना पड़ता है, क्योंकि यार एक बार जो लाइन पड़ी मतलब स्टार्ट का बस लाइन पड़ा कि जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, बस उनको लगा कि यार स्पीड हैक ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो नोवा किंग भाई का ऐसा रिएक्शन था कि स्पीड हैक यार ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके बाद से चैट आगे का पढ़ा भी नहीं और इग्नोर कर दिया। उसके बाद से हम लोग वेट करें कि यार अभी पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे, 40 का सुपर चैट किया, उसके बाद में वो इग्नोर हुआ, उसके बाद 100 का सुपर चैट हुआ, टोटल 250 का, टोटल 240 का सुपर चैट हो जाता है गाइस, बट यहाँ पे रिप्लाई नहीं आता है। और उसके बाद से थोड़ा टाइम मतलब काफ़ी मतलब एक 5 मिनट तो भी हो गया था, उसके बाद से स्पैम जब देखा मतलब काफ़ी लोगों ने स्पैम करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे भाई उनका रिप्लाई आता है, और रिप्लाई भी उस लेवल का नहीं रहता जो एक्सपेक्ट किया था, वहाँ पे उस लेवल का नहीं था, तो उनको मतलब रिप्लाई देना पड़ा, क्योंकि उनकी जो सुपर जो उनकी जो चैट जो थी ना लाइव स्ट्रीम की, उस वजह से उनको रिप्लाई देना पड़ा, और उस लेवल का भी रिप्लाई नहीं दिया। फिलहाल जो उनका जो रिप्लाई था ना वहाँ से मुझे उस लेवल का वो नहीं फील हुआ यार, कि यार अपनापन मतलब समझ रहे हो उस टाइप का फील नहीं हुआ कि यार हाँ हेल्प हो सकती है, तो मैंने भी वहाँ पे एग्जिट कर लिया। उसके बाद से हमारे मिस्टर स्पाइक भाई लाइव आते हैं, तो मेरे को अनजान बोलता है स्पाइक भाई का लाइव चल रहा है स्ट्रीम, तो वहाँ पे सुपर चैट करके बात करके देख कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। उनका एक्चुअली इससे पहले भी एक बार आईडी बैन हुआ था, एक बार शायद उससे ज़्यादा भी हुआ था, तो उनको पता है क्या करना है, तो इस वजह से मैं भी चलो रेडी हो गया, और वहाँ पे जो जाकर उनकी स्ट्रीम पे 200 का सुपर चैट करता हूँ, और वहाँ पे मैं मेरी प्रॉब्लम्स बताता हूँ। लेकिन उनका जो रिप्लाई था वो बहुत कूल था, आपको सुनना चाहिए। और हाँ मिस्टर स्पाइक भाई प्लीज़ यार स्ट्राइक वगैरह मत देना यार, क्योंकि मुझे क्लिप बस प्रूफ के लिए ऐड करना पड़ रहा है प्लीज़। या दिस इज नथिंग फॉर देम, दे हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, इसलिए ये छोटे मोटे चीज़ें तो वो रिप्लाई भी नहीं करते पता, इफ समथिंग वेरी बिग देन दे विल रिप्लाई। ऐसा ऐसे नॉट जस्ट विथ मी, इट इज़ हैपनिंग विथ एवरी क्रिएटर आउट देयर। अरे सॉरी मुझे लगा कि कोई प्रमोशन कर रहा है इसलिए मैंने स्टार्टिंग एक लाइन पढ़ा। उसके बाद मेरा जब आईडी बैन हुआ ना उस टाइम पे मेरे को रिप्लाई ये दिए कि 1 वीक वेट करो, उसके बाद फिक्स हो गया तो तब देखते हैं। अब यहाँ पे यार मिस्टर स्पाइक की जो बातें थी भाई की, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से रिप्लाई दिया बहुत कूल लगा। और सच्ची बताओ तो यहाँ पे उनकी बात सुन के मेरे को थोड़ा सा एकदम से, मैं सच्ची बताओ तो सदमे में एक टाइप का चला गया, क्योंकि आईडी वापस आने का रिस्क इतना ज़्यादा हो चुका है अब यहाँ पे इनकी बातों से। क्योंकि देखो अगर इनकी आईडी इतनी यार मतलब बैन जब हुई थी तो उनकी अनबैन के लिए उनको जल्दी से मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो यार मेरी कौन सी बहुत हाई लेवल की आईडी। और YouTube पे भी यार हमारे 83 के फैमिली हैं यहाँ पे, तो
बस क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यार मेरी आईडी हो जाए अनबैन। और यहाँ पे मेरी गलती क्या थी यार कि मैंने वो क्या बोलते ग्लिच कुछ मिनट के लिए बस खेला, उस वजह से मेरी आईडी बैन हुई। वो ग्लिच आती नहीं तो मैं खेलता भी नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी ना गाइस। अगर जो हैक ही मतलब बैन ही करना था तो हैक लगा कर खेलता ना, या तो बैन करवा लेता। ऐसे कौन यार 1-1.5 लाख की आईडी कौन बैन करवाना चाहेगा ये बताओ। और यहाँ पे हैकरों को बैन नहीं दे रहे, हमारे जैसे लेजिट को उठा के बैन दे रहे, वो भी 1 मिनट नहीं, 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने का नहीं, डायरेक्ट 10 साल गाइस। 10 मतलब कुछ भी 10 साल, मतलब किसको बोलते यार। और जो हैक यूज़ कर रहे हो उनको यार इतना टाइम, 3 डेज बैन, बहुत मुश्किल से 1 महीने का बैन दे रहे यार जो फ्लैश हैक यूज़ कर रहे। अब मेरी आईडी तो ऐसी गई है, मतलब क्या बताओ यार, अब मेरे पे कोई और बैकअप है नहीं गाइस। इसकी उसकी आईडी लेकर मैं खेल सकता हूँ, लेकिन जो अपनी आईडी होती है वो अपनी आईडी होती है यार। और सीज़न 14 से बैक टू बैक कॉन्क्वेस्ट करते आ रहा हूँ और रात दिन घसा हूँ उस आईडी पे, उस आईडी को उस लेवल पे लाने के लिए। और उस पे M4 level 5, DP level 4, किल फील्ड गाइस समझ रहे हो। और बैरल अभी जस्ट आई थी उसको level 4 किया, और स्पॉन्सर हमारे किया भाई ने वो बैरल के लिए और डीपी के लिए। level 3 पे डीपी थी उसको level 4 करने में, और उसके बाद से level 4 पे जो M4 थी उसको level 5 करने में। जो स्पॉन्सर जो हमारे थे वो थे गौरव प्लेज वाइटी हमारे भाई। और हाँ, बैरल को भी निकालने से लेके बैरल को level 4 करने तक का जो भी स्पॉन्सर था उनका था। और यार ये सब लगाने के बाद में आईडी ऐसी गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे क्या ही बताओ, अब मेरे जैसे प्लेयर का आईडी अनबैन नहीं हुआ तो यार समझ जाओ कि यार जो नॉर्मल जो बस मजे के लिए खेलते हैं उनकी आईडी कैसे अनबैन हो सकती है। और ऐसे यूट्यूबरों को इतना टाइम लग रहा, मतलब जैसे मिस्टर स्पाइक, इनको कितना टाइम लगे आईडी अनबैन करवाने के लिए। तो यार ये सब नो आइडिया कब, मतलब इन सब में मतलब थोड़ा देखना चाहिए बीजे वाले लोगों को यार कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग तो यार मतलब वो ग्लिच यूज़ किए, उनकी आईडी बैन भी नहीं हुई, तो यार अलग ही लेवल पे। एंटी चीट के टाइम पे शायद से मेरी आईडी एकदम से नज़र में आ गई उन लोग के, नो आइडिया। ऐसे कुछ तो सीन है, कमेंट्स भी पड़ा था और कुछ लोग को लग रहा था कि यार हैक यूज़ कर रहा हूँ। एक बात खुद से सोचो कि यार अगर जो बंदा हैक यूज़ करता है तो उसकी कीडी कितनी होनी चाहिए, 4-5 कम से कम होनी चाहिए। और मेरे जैसे प्लेयर भाई 5 की कीडी तो कंपलसरी मेंटेन होनी चाहिए ना गाइस। देखो मेरे मैचेस हो गए थे 250 के ऊपर हो गए थे, कंपलसरी 300 के आसपास होंगे। अभी भी आप लोग आईडी चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मतलब आईडी दे दूंगा, सॉरी लिंक बोल रहा हूँ। तो एक बात सोचो कि जिसके पास जो हैक है वो 2.7 KD मेंटेन करेगा यार, उसको मैं सच्ची बताऊँ तो मैं केडी मेरी देख ही नहीं रहा था, मुझे बस गेम निकालना था, उसके लिए मैं फाइट ले रहा था और एक्शन वाला गेम प्ले, रश गेम प्ले निकालता था। उसकी वजह से हैकरों से कभी मरता तो कभी मैं फाइट में मर जाता, ऐसे ऐसे करके केडी मेरी 3.5 से 2.7 की हो गई थी। आईडी है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना अगर जो वीडियो के एंड में देखना। उससे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और है गाइस। अब मेरी आईडी के साथ में ऐसा सीन हुआ तो गाइस आपके साथ में अगर जो होता है तो वहाँ पे यार आप ऐसे सोचो कि एक बड़े यूट्यूबर के पास जाऊँगा तो हेल्प हो जाएगा यार, वो लोग है ना आपको एक ओपिनियन दे सकते, ऑप्शन दे सकते कि ऐसा ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए मतलब शायद ही एक्शन ले। और बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा, लेकिन यार हमारे जैसे यार मतलब ऐसे डिस्टेंस में रहते हैं, मतलब काफ़ी दूर दूर तक जिसका नाता नहीं है ना, तो यार वहाँ पे शायद ही हेल्प हो। फिलहाल गाइज यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है यार आप लोग से कि यार मैंने यहाँ पे जो लिंक दिया ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके गौरव प्लेज वाईटी जो भाई हमारे, उन्होंने जो स्पॉन्सर किया था उनको यार थैंक्स बोलना अपनी तरफ से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस बेल आइकन ऑन कर लेना। और उनके जो चैनल पे जो ये गिव अवे होते रहे गाइस, स्ट्रीम पे होते गिव अवे, फ्री में स्ट्रीम पे जाके खेल सकते हो, कस्टम्स ऐसे भी होता है, तो वहाँ पे जाके फ्रीली आप रॉयल पास विन कर सकते हो। और होना प्यार मतलब जो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना प्यार दिखा देना गाइस, तो एक रिक्वेस्ट आपसे। और गाइस यहाँ पे हमारा जो बैन का जो ऑप्शन है ना गाइस, यहाँ पे जो बैन हुआ ना आईडी, उसके लिए एक ही ऑप्शन है गाइस, वहाँ पे जाके ट्विटर पे रीट्वीट करना है। तो हो सके जितना हो सके उतना रीट्वीट करके यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मेरी आईडी मुझे बहुत प्यारी थी यार, मुझे मेरी आईडी चाहिए गाइस, और ये आपके ऊपर है। तो यार आप लोग जितना सपोर्ट दिखाओगे रीट्वीट करके शेयर करके वीडियो को, तो उतना ही मतलब आसान हो जाएगा गाइस। आई होप सो हो जाए यार, बस यही है, मेरी आईडी मुझे वापस दिलवाने में आप लोग की हेल्प चाहिए गाइस। तो होप आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि यार जो दर्द मुझे मतलब फील हो रहा है ना गाइज, वो चीज़ जब आपके साथ होगी तभी आपको वो एग्जैक्ट आपको समझ में आएगी कि क्या फील होता है। तो गाइज आप लोग की हेल्प चाहिए तो यार सपोर्ट दिखाना, वीडियो पे एक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय। Can I be your superhero?